डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज संडे है तो आप लोग को पता ही है कि संडे को हम लोग अपनी कुछ समस्याओं पे बात करते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा समस्या मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन है, जिसकी वजह से फिर से सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। और पिछले साल तो हम लोग जैसे तैसे पढ़ाई किए हुए थे और इस साल भी मुझे लगता है कि पूरा ये साल जो है पढ़ाई के लिए पूरा ठप हो जाएगा। वैसा कोई मैसेज नहीं है कि स्कूल नहीं खुलेगा या फिर पूरा साल जो है पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है। जैसा कि देश दुनिया को आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मामले फिर से बढ़े हुए हैं, फिर से लगता है कि ये इस साल जो है पूरा पढ़ाई बंद रहेगा और फिर आप लोग का जैसे तैसे पिछले साल की तरह जैसे तैसे ही पढ़ाई हो पाएगा। इसीलिए स्पेशली ये वीडियो मैं आप लोगों को ये मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग स्कूल के भरोसे या ट्यूशन टीचर हो गया उसके भरोसे आप लोग को बैठना नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कई सारे छोटे बच्चे जो रहते हैं उन लोगों को मौका मिल जाए तो फिर वो पढ़ाई तो करना बंद कर देते हैं। उनको सिर्फ ट्यूशन टीचर आता है एक घंटा, वही जो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपने से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको रिस्पॉन्स दिखाना है खुद के प्रति, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। तो स्कूल के भरोसे ना बैठिए और ना ही ट्यूशन टीचर के भरोसे रहिए। ज़्यादातर बच्चों को उसके गार्जियन जो है एक या दो ट्यूशन दे दिए हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि अभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप दो ट्यूशन दे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहेंगे। एक घंटा एक ट्यूशन, दो ट्यूशन का मतलब है कि दो घंटा, और दो घंटा कम से कम उसको होमवर्क वगैरह बनाने में जो है एक घंटा और लगेगा, कम से कम वो तीन घंटा पढ़ाई करेगा। और जो सक्षम नहीं है कम से कम आप उसको एक ट्यूशन दे सकते हैं। तो आप समझिए कि ट्यूशन में मात्र एक घंटा पढ़ाई होता है, और वो भी क्या, उसमें जो आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं, जो बातें आपको समझ में नहीं आती है उसको समझा दिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें हो भी नहीं सकता। तो फिर उससे ज़्यादा आपको खुद करना होगा, आपको सेल्फ डिपेंड बनना होगा। अपनी पढ़ाई आप समझिए कि इस साल आपको खुद करना है। हो सकता है कि आप ये सोचें कि पढ़ाई तो स्कूल में हो नहीं रहा है, मैं क्यों पढ़ूं। पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रहा है और आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं, लेकिन नुकसान आपका श्योर हो रहा है, क्योंकि ये समय जो है, ये समय जो बीत रहा है वो रिटर्न आने वाला नहीं है, क्योंकि समय एक बार जब चला जाए तो फिर से वापस नहीं आता। इसीलिए इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। जिस समय स्कूल खुला हुआ रहता था उस समय आप देखिए कि स्कूल में कितना आवर्स पढ़ते थे, फिर ट्यूशन का टाइम मिला के उसके बाद कितना आवर हो जाता था। अगर इस साल आप उसका आधा भी टाइम देते हैं तो फिर आप काफ़ी नॉलेज गेन कर लेंगे। विशेष रूप से इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय को बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार समय चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। आप लोगों ने सुना होगा कि जो समय को अभी बर्बाद करेगा आने वाला समय उसे बर्बाद कर देता है। इस साल आप लोग सेल्फ डिफेंड बनिए और अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट वीक में लेकर आऊँगा। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक ना ला पाऊँ, हो सकता है उसका नेक्स्ट वीक हो जाए, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube के सब्सक्राइबर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैं इस सब्जेक्ट पे लेकर आऊँगा और इसके विषय में बात करूँगा। मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर YouTube का जो सब्सक्राइबर होता है उसको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो इसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीक में। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से नेक्स्ट वीक में एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।